बहुत समय पुरानी बात है, रुद्रपुर के जंगलों में दो पेड़ एक साथ खड़े हुए थे। एक था आम का पेड़ और दूसरा था बरगद का पेड़। आम का पेड़ सुबहों में बहुत नरम और बरगद का पेड़ सुबहों में बहुत सख्त था। आम के पेड़ में पक्षी अपना घोंसला बनाते और वहाँ पर रहते, लेकिन दूसरी ओर बरगद का पेड़ किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता था। बरगद भैया, बरगद भैया, क्या हम आपके ऊपर घोंसला बना लें? अरे चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। यहाँ पर आकर मेरी डालियों को खराब करोगे। निकलो यहाँ से, कोई नहीं मेरे ऊपर घर बनाना, चलो भाग जाओ। वहीं आम का पेड़ उन चिड़ियों को अपने पास बुलाता है। आओ प्यारी बहनों, आओ आओ, मेरे ऊपर आप अपना घर बना लो और आराम से रहो, साथ में फल खाओ। वह चिड़ियाँ आम के ऊपर अपना घोंसला बना लेती हैं। आम का पेड़ बरगद के पेड़ को बोलता है, यार तुम ऐसा क्यों सबसे बोलते हो? बना लेने दिया करो सबको अपने ऊपर घर, फिर क्या होता है? चल चल तू अपना काम कर, मुझे आया बड़ा सिखाने वाला, जा तू। मैं तो अपने सुंदर सुंदर डालियों पर किसी को नहीं बैठने दूंगा, पता नहीं कहां से आ जाता है मुझे समझाने के लिए। काम कर अपना। फिर एक बार वहां पर मधुमक्खियों का झुंड आता है। अरे ये पेड़ मजबूत है, हम इस पे अपना घर बनाएंगे। बरगद भैया, बरगद भैया, क्या हम आपके ऊपर घर बना लें? चलो भागो यहां से, मेरे ऊपर किसी ने नहीं घर बनाना, मुझे जरूरत नहीं है, भाग जाओ कहीं और जाओ। पास में ही आम का पेड़ मधुमक्खियों को भी कहता है, आओ मेरे ऊपर आकर आप अपना घर बना लो। मधुमक्खियाँ बरगद की बात सुनकर निराश हो जाती हैं और आम के ऊपर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता लगा लेती हैं। यूं ही कुछ समय बीतता गया, मगर बरगद अपने अहंकार में ही हमेशा रहा। एक दिन वहाँ से लकड़हारा गुजर रहा था और वह आराम करने के लिए वहाँ पर बैठ गया। उसकी नज़र बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा बहुत मजबूत लकड़ी है। उसने सोचा यह घर बनाने के काम आएगी। उसने बरगद के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। यह देखकर बरगद रोने लगा, अरे मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, माफ कर दो मुझे, मुझे मत काटो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बरगद को रोता देख आम के पेड़ को तरस आ गई और उसने मधुमक्खी से कहा कि आप बरगद के पेड़ को बचा लो। मधुमक्खी ने कहा, भाई इसने तो हमें रहने के लिए जगह भी नहीं दी थी और आप इसे बचाने की बात कर रहे हो। तो मधुमक्खियों ने आम की बात सुन लकड़हारे को जाकर काटना शुरू कर दिया, जिससे लकड़हारा वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, मदद वाली भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर कोई भी किसी भी समय अपना साथ दे सकता है। अगर हम द्वेष भावना रखेंगे तो कोई भी हमारी मुसीबत में मदद नहीं करेगा।